दोस्तों हमारे देश की सरकार ये बखूबी जानती है कि साम दाम दंड भेद चार नीतियां कैसे अपनानी है और किस वक्त अपनानी है, कितनी जल्दी अपनानी है, ये हमारे देश की सरकार को आराम से पता है। जब कोई मुद्दा उठे कि भाई आप गलत कर रहे हैं तो उसके पैरेलल में कोई मुद्दा उठा दीजिए, वो दूसरा मुद्दा अपने आप थम जाएगा, दूसरा मुद्दा अपने आप कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमारे देश की महिला पहलवान खिलाड़ी, हमारे देश के पुरुष खिलाड़ी भी, पहलवान पुरुष खिलाड़ी भी महिलाओं के खिलाफ हो रही यौन शोषण के जो मामले सामने आ रहे थे भारतीय कुश्ती संघ से, उन मामलों पर अंकुश लगाने की मांग वो कर रहे थे। अब सामने आ रहा है विरोध प्रदर्शन, और विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ। हम नहीं जानते दोस्तों कि विरोध प्रदर्शन बहकावे में आकर किया जा रहा है या वाकई में इन तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन एक ही साथ इतने सारे मुद्दों का उठना यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब पूरा मामला क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों जंतर मंतर जहां पर हमारे देश के महिला पहलवान खिलाड़ी, हमारे देश के पुरुष पहलवान खिलाड़ी सब एक साथ एकजुट होकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए थे, ना सिर्फ आवाज उठाते नजर आए थे बल्कि आंदोलन धरना जारी रखा हुआ था। वो अलग बात है कि दिल्ली पुलिस ने आकर अचानक से ही उनका धरना खत्म करवा दिया, तमाम खिलाड़ियों को, जितने भी पहलवान खिलाड़ी थे उनको घसीटा गया, महिला खिलाड़ियों को घसीटा गया, बहुत कुछ हुआ था उसी जंतर मंतर पर। अब उन्हीं खिलाड़ियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई। अब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ऐसे रेसलर्स के खिलाफ जिन्होंने अपने हमारे देश को इतने बड़े बड़े मेडल्स से नवाजा दोस्तों, इतने बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा, आज उनके खिलाफ जंतर मंतर पर आवाज उठ रही है। हम नहीं जानते, जैसा मैंने कहा, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि उन्होंने किसके बहकावे में आकर ये कदम उठाया है, लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध बढ़ता चला जा रहा था और उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, ये कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों इस खबर का कहना है कि भारतीय कुश्ती संघ में बीते एक साल से जारी विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पीटीआई का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में जूनियर पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। ये पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया के खिलाफ एकत्र हुए हैं। इन लोगों का आरोप है कि साक्षी, बजरंग और विनेश की वजह से उनके करियर का एक अहम साल बर्बाद हुआ है। जूनियर पहलवान बसों में सवार होकर यूपी, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं और इस बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं थी। प्रदर्शन कर रहे इन जूनियर पहलवानों की मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के फैसले को वापस लिया जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई का कहना है कि इन जूनियर पहलवानों और उनके कोचों ने कहा कि अगर कुश्ती संघ को बहाल नहीं किया जाता तो ये अपने अर्जुन अवार्ड वापस करेंगे। दोस्तों थोड़े समय पहले विनेश फोगाट और जितने भी बड़े बड़े रेसलर्स हैं, चाहे आप बजरंग पुनिया की बात कर लीजिए, विनेश फोगाट की बात कर लीजिए, साक्षी मलिक की बात कर लीजिए, साक्षी मलिक ने तो कहते हुए ये संन्यास ले लिया अपनी कुश्ती से कि वो कुश्ती छोड़ रही हैं क्योंकि कुश्ती अब अगर WFI में, यानी कुश्ती महासंघ में बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को रखा जाएगा तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती है। ना सिर्फ वो बल्कि कोई भी लड़की जो पहलवानी करना चाहती है, पहलवानी में अपना करियर बनाना चाहती है, वो आगे नहीं लड़ पाएगी। ये साफ सीधे तौर पर कहना था साक्षी मलिक का। तो साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, उसके बाद विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड्स जो है वो वापस करने की बात कह डाली, ना सिर्फ वापस करने की बात कह डाली बल्कि वापस कर दिए। उसके बाद बजरंग पुनिया ने भी अपना जो मेडल था वो फुटपाथ पर रख दिया था क्योंकि उन्हें मिलने नहीं दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी ये लोग हैं, जितने भी पहलवान खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप किसी भी तरीके से इन लड़कियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला कोई नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ेगा। तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अब उनके खिलाफ ये लोग विरोध कर रहे हैं जो कि जूनियर पहलवान बताए जा रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, फिर से कह रही हूं कि ये किसके बहकावे में आए या खुद से आए हैं, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, मगर
हाल ही में एक बयान सामने आया था उन संजय सिंह का, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए गए और जिनको अभी हाल ही में WFI का नया अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों, उनकी तरफ से बयान सामने आया था कि हम इस निलंबन को नहीं मानते, हम WFI को रद्द करने के इस फैसले को नहीं मानते और आने वाले दिनों में हम जरूर चैंपियनशिप करवाएंगे, ये चैंपियनशिप जरूर होगी, आने वाले दिनों में हम नोटिस भी जारी करेंगे। उनका बयान आए हुए कुछ ही समय होता है और जंतर मंतर पर जूनियर पहलवान इकट्ठे हो जाते हैं। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, स्पेशली इन तीनों रेसलर्स के पोस्टर्स जलाए जाते हैं। ना सिर्फ पोस्टर्स बल्कि पोस्टर्स को लेकर विरोध किया जाता है, पोस्टर्स पर इनके जो तस्वीरें छपी होती है उसमें क्रॉस का निशान होता है। तो ये बिरले देखा जाता है दोस्तों, ऐसा कुछ बिरले देखा जाता है कि कोई देश की कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए और उन्हीं के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उनमें से एक सवाल यह भी है कि क्या देश में अलग अलग मोर्चों पर सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को बंद करने के लिए यह पैंतरा अपनाया गया है, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या साम दाम दंड भेद की नीति के तहत ही यह आंदोलन या ये विरोध आता है, ये सवाल है दोस्तों। इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।